मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरा बेटा तुम्हारे जैसे बने अंगद, कभी नहीं। मैं चाहती हूं ये अपने पापा जैसा बने, दिलजीत सिंह बने सर जैसा। कह रहा था ना, आपको लोगों की कितनी कदर है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप जैसे समझदार, कामयाब, नेक दिल इंसान जो लोगों से इतना प्यार करता है, उसकी लाइफ में कोई प्यार या साथी क्यों नहीं है? मुझे जब मुझ जैसे खोते की लाइफ में साहिबा जी जैसी लड़की आ सकती है, तो बात अलग है कि मैंने अभी तक इनसे अपने दिल की बात बताई नहीं। लेकिन सर जी, आज मैं साहिबा जी को अपने दिल की बात बता के रहूंगा। मैं चार उन्हें बताने जी। जी, मैंने आज का दिन प्लान किया था उन्हें सब कुछ बताने के लिए। तो तूफान आ गया, सारी सजावट खराब हो गई, लेकिन कोई ना, खुशी का मौका है, आज तुम्हें बात बता के ही रहूंगा। सर जी, पता है सबसे अच्छी बात क्या है? कि आप यहाँ हो और आपने मुझे रिंग बना के दी है। पता है, जब मैं साहिबा जी को ये बात बताऊंगा और रिंग दूंगा ना, तो उनका रिएक्शन आप खुद अपने आंखों से देख सकते हो। वैसे सर जी, वो रिंग इतनी खूबसूरत है ना कि साहिबा जी को पसंद ना ये सवाल ही नहीं उठता। मुझे जाना है, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। आप कंटिन्यू, आपकी फैमिली से मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा अगर आप बिना कुछ खाए पिए यहाँ से चले गए। अजी बीजी आपके लिए पकौड़े बना रही हैं, प्लीज खा के जाइए। ओके ना, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं अभी आता हूँ सर जी। सर जी, आपने इतनी सोनी रिंग बनवाई है ना कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरी गड़बड़ की वजह से उस रिंग की शान में कोई गुस्ताखी ना हो जाए। अभी तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था हाँ, लेकिन अभी ना मेरे कॉन्फिडेंट में थोड़ा सा डेंट लग गया है, पसीने छूट रहे हैं। साहिबा जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे भी आपसे कुछ कहना है।